तो वही दिल्ली रोड स्थित निम्स इंटरनेशनल स्कूल के खेल मैदान में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ रस्साकसी और रस्सीकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल के सभी सदनों ने मार्च पास्ट निकाल कर किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि खेलों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। आज के तकनीकी युग में बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर गेम की बजाय मैदान में जाकर खेल खेलने चाहिए। उन्होंने न्यूज इंडिया से वार्ता करते हुए कहा कि स्कूली छात्र छात्राओं को समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निम्स इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य रेखा यादव ने बताया कि खेलों के माध्यम से हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए सभी पेरेंट्स को भी बुलाया गया, जहां कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कुल सचिव डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, ऑर्थोपेडिक डायरेक्टर डॉक्टर विनय सिंह, डीन चमन राम वर्मा, डॉक्टर मृदुला त्रेहन, परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर स्नेहलता, डॉक्टर दुष्यंत चौहान, आशीष माथुर, डॉक्टर एसएस चौहान, डॉक्टर लोकेश बंसल, डॉक्टर आरपी सिंह और सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज निम्स इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे पे बच्चों और टीचर्स में जो एनर्जी देखने को मिली, उसको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा लगा कि निम्स इंटरनेशनल स्कूल रेखा जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी ऊंचाइयां स्पोर्ट्स में हासिल कर रहा है। एज ए होल जब हम देखते हैं स्पोर्ट्स को, तो कंट्री में आज जैसे कि मैं कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें सुधारना है। अगर स्पोर्ट्स का कोई एक गोल्डन बेंचमार्क है, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो वो है ओलंपिक्स। और जब तक हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में नहीं सुधरेगी, तब तक हम किसी भी कीमत पर यह नहीं कह पाएंगे कि हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कुछ पहलुओं पर सरकार को और पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जिम्मेदारी स्टार्ट होती है पेरेंट्स की। उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को वो सही प्रतिभा को पहचान कर सही स्पोर्ट्स में प्रोत्साहन दें। और सेकंड जिम्मेदारी जो होती है वो है गवर्नमेंट की, कि वो सही फैसिलिटीज़, अच्छी वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करे और साथ साथ अच्छे कोचेस सही टाइम पर दे। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पे की प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो अवसरों की और साधनों की। आज निम्स इंटरनेशनल स्कूल कैंपस में वार्षिक स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत सारी ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज़ रही। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पिछले 3 दिनों से विद्यालय में चल रही हैं। टीचर्स ने, स्पेशली जो हाउस वार्डन्स और रिस्पेक्टिव हाउस टीचर्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स टीचर के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह ट्रेन किया है। सभी बच्चों ने स्पोर्ट्समैनशिप की प्रतिज्ञा लेकर और सुबह इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डॉक्टर पंकज सिंह, डायरेक्टर निम्स यूनिवर्सिटी, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर विनय सिंह, उन्होंने बच्चों को बताया कि जिंदगी में हार भी बहुत मायने रखती है। जीत तो सभी एंजॉय करते हैं, लेकिन हार को भी एक अच्छे स्पिरिट में, पॉजिटिविटी के साथ में सफलता की पहली सीढ़ी समझकर और अधिक मेहनत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।